और चलिए अगली बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। राजधानी भोपाल में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। हवा को सुधारने के लिए प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर रखी हैं। वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पीयूसी नहीं होने पर वाहनों का चालान भी काटा जाएगा। सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आरटीओ, पॉल्यूशन कंट्रोल और पुलिस को वाहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में लगातार हवा की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है और इसकी वजह से यह बड़ा फैसला प्रशासनिक स्तर पर लिया गया है। तो वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि भोपाल का एक्यूआई लेवल करीब 300 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी हो रही है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे हवा की गुणवत्ता को लेकर बेहद चिंतित, और इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर ये बड़ी पहल की गई है। तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ नीलम लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, हवा की गुणवत्ता लगातार भोपाल की अगर मैं बात करूं तो खराब हो रही है। एक्यूआई लेवल 300 के पार तक पहुंच गया, और ऐसे में ये अच्छी एक कोशिश है प्रशासनिक स्तर पर कि वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच हो। इसके साथ ही तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल की हवा जो है लगातार जहरीली होती जा रही है। एक्यूआई लेवल जो है लगातार 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और इसने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। सोमवार को ही भोपाल संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और उसके साथ ही अधिकारियों के साथ जो है बैठक की थी, कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद मंगलवार को भोपाल के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ ही प्रदूषण मंडल के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और निर्देशित किया है कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके कारणों का पता लगाया जाए और साथ ही साथ जो जरूरी कदम होते हैं वो उठाए जाए। खास तौर पर वाहनों की जांच को लेकर के यहां पर सख्ती दिखाए जाने की बात कही जा रही है। देखिए भोपाल में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है वो वाहनों की वजह से, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का धूल कण होते हैं, जो हवा के धूल होते हैं, उसकी वजह से जो है हवा में प्रदूषण बढ़ता है। तो ऐसे में वाहनों की जांच को लेकर के यहां पर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक पेट्रोल पंप पर पीयूसी जांच का जो वाहन होता है उसको रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ आने जाने वाले जितने तमाम वाहन हैं पेट्रोल पंप में उन सभी की पीयूसी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी वाहन का पीयूसी उसके पास नहीं है तो चलानी कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही ये ऑफर भी दिया है खासतौर पर जो चार पहिया वाहन होते हैं उनके लिए कि यदि वो पेट्रोल पंप से फुल टैंक करवाते हैं तो उन्हें उनकी जो पीयूसी जांच है वो मुफ्त में होगी। इसके साथ ही कहना चाहिए जो कचरा जलाते हैं खुले में उसको लेकर के जांच के निर्देश दिए हैं। कड़ी निगरानी के निर्देश भोपाल जिला कलेक्टर ने दिए हैं। तो देखिए यहां पर प्रशासन की तरफ से कदम उठाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से लगातार भोपाल की हवा पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गई है उसे और किस तरह से जो है ठीक कैटेगरी में भोपाल जिला प्रशासन लेकर आता है। तो लगातार इस पर कदम उठाने की बात कही जा रही है। आज से जो है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर काम होना भी शुरू हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एक्यूआई की तो भोपाल में तीन अलग अलग जगह मॉनिटरिंग सिस्टम है और उन तीनों पे अगर हम फिलहाल देखें तो 300 से ऊपर ही जो है एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है, जो कि बड़ी ही चिंता का विषय है राजधानी वासियों के लिए भी। जी बिल्कुल। और नीलम, यहां पर लोगों को खुद भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि एक्यूआई लेवल को मेंटेन किया जा सके और जो हवा में प्रदूषण की मात्रा है उसे कम किया जा सके। नीलम, मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि अलग अलग जिलों में क्या कुछ एक्यूआई लेवल है और वहां पर किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जी देखिए, भोपाल के अलावा अगर हम देखें तो ग्वालियर और जबलपुर में जो है स्थितियां भोपाल से फिर भी थोड़ी बहुत ठीक नजर आ रही है। हालांकि जबलपुर में अगर हम देखें तो वहां का एक्यूआई बीते दिनों जो है करीब 162 दर्ज किया जा रहा था। लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो इस वक्त जो है भोपाल और देवास का जो बाईपास है वहां का एक्यूआई लेवल 200 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा ग्वालियर की हम बात करते हैं तो ग्वालियर का जो सिटी सेंटर है वहां पर इस वक्त जो
आरक्यूआई है वो 303 दिखा रहा है, जो कि पुअर कैटेगरी में है, वेरी पुअर की कैटेगरी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर रेसिडेंसी एरिया का जो एक्यूआई लेवल है वो फिलहाल येलो यानी कि 160 दिखाया जा रहा है। तो इस तरह अलग अलग सिटी के जो ट्रैफिक है और जहां पर ज्यादा रश रहता है वहां के एक्यूआई लेवल में इस वक्त जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये शहर ऐसे हैं जहां पर अब जो है कदम उठाने जरूरी है ताकि अभी से जो है इसे कंट्रोल किया जाए, ताकि इन शहरों में भोपाल जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि अगर समय रहते कदम उठाए जाएंगे तो स्थितियां बिगड़ने से बच जाएगी। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े नजर आ रहे हैं जिसको देखते हुए कदम उठाना जो है अब जरूरी हो जाता है, ताकि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है हवा की गुणवत्ता सही हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर भी